सास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। आप अपने घराने को रजिस्टर कराने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं जिसका पता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हर घर से एक ही दरखास्त दी जा सकती है, इसलिए आपको घर के एक फर्द को चुनना होगा और इसका शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल फोन नंबर वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, क्योंकि दुकान से रायती सामान घराने का रजिस्टर्ड फर्द ही ले सकेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि उस फर्द का मोबाइल फोन और सिम उस ही के शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन के अमल के शुरू होने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 8171 से अहलियत का SMS पैगाम मौसूल होगा। किरियाना मालिकान भी इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। हुकूमत ने किरियाना मालिकान के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत किरियाना मालिकान को हर एहसास राशन सेल पर शानदार कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा हर 3 माह बाद बेहतरीन कारकर्दगी पर कुरा अंदाजी के जरिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और दीगर कीमती इनामात भी दिए जाएंगे। अपनी किरियाना दुकान को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और इस बात का खास ख्याल रखें कि आपका मोबाइल फोन आपके कौमी शिनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर हो। इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए किरियाना दुकानदार का बैंक अकाउंट होना लाजमी है, और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की करीबी शाख से फौरन रुजू करें। जब किरियाना मालिकान और घराने दोनों रजिस्टर हो जाएंगे तो अहल घराने का फर्द अपना शिनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन ले जाकर मखसूस राशन की खरीदारी पर रियायत हासिल कर सकेगा। जब आप किरियाना की दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार आपका शिनाख्ती कार्ड अपने फोन पर एहसास ऐप में दर्ज करेगा, और जब ये तस्दीक हो जाएगी कि ये शिनाख्ती कार्ड अहल है तो मोबाइल ऐप पर दुकानदार के सामने आटे, दाल और तेल की तस्वीरें आ जाएंगी, जिनके नीचे उनकी कीमतें भी लिखी होंगी। अगर ग्राहक ने 20 किलो आटा लेना है तो दुकानदार पहले कीमत देखेगा, अगर इसको कीमत बदलना होगी तो वो कीमत बदल देगा और वो कीमत लिखेगा जिस पर आटा उसने ग्राहक को बेचना है। फिर जितने किलो आटा लेना है वो ऐप में सिलेक्ट करेगा, यहाँ उसने 20 किलो आटा सिलेक्ट किया है। आटे के बाद ग्राहक को 4 लीटर तेल भी चाहिए, तो दुकानदार ने कीमत देखी और उसे बदलने की जरूरत नहीं समझी और 4 लीटर तेल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ग्राहक ने 2 किलो दाल मांगी और वो भी दुकानदार ने सिलेक्ट कर ली। अब रियायती बिल सामने आ जाएगा। 20 किलो आटे पर 22 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 440 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1,500 रुपए का आटा 1,060 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 4 लीटर तेल पर 105 रुपए फी लीटर के हिसाब से हुकूमत ने 420 रुपए की रियायत दी है, जिससे ग्राहक को 1,360 रुपए का तेल 940 रुपए में मिलेगा। और 2 किलो दाल पर 55 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत ने 110 रुपए की रियायत दी है। यूं ग्राहक ने 350 रुपए की दाल 240 रुपए में हासिल की है। अब तीनों खरीदी हुई चीजों पर कितनी रियायत लागू होती है, ये पीछे डेटाबेस से फौरन ही चेक होगा। इस मरहले पर ग्राहक के फोन पर 6 हिंसों के एक कोड का मैसेज आएगा। दुकानदार ग्राहक से वो कोड मांगेगा और वो कोड दुकानदार अपनी ऐप में डालकर इस बात की तस्दीक कर लेता है कि वो ये वही ग्राहक है जिसके नाम पर घराना रजिस्टर्ड है और उसका शिनाख्ती कार्ड और फोन नंबर दोनों मुंसलिक हैं। 3,210 रुपए के फाइनल बिल पर हुकूमत ने मजमूई तौर पर 970 रुपए की सब्सिडी दी और ग्राहक को दरअसल 2,240 रुपए अदा करने पड़े, और इस तरह ग्राहक को हकूमत की सब्सिडी देने के नतीजे में 970 रुपए की बचत हुई। हकूमत ने ये प्रोग्राम 2 करोड़ खानदानों के लिए शुरू किया है। आप अपनी रजिस्ट्रेशन आज ही करवाएं ताकि जांच पड़ताल के बाद आपको अहलियत के बारे में 8171 से मैसेज किया जा सके।